दिल्ली में शुरू हुई खड़ाऊ सियासत की, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपना पदभार संभाला। लेकिन चर्चा इस बात से ज्यादा वहां रखी दो कुर्सियों को लेकर रही, जिसमें एक कुर्सी पर आतिशी बैठी और पास में रखी दूसरी कुर्सी खाली रही। इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, जिसके पास में ही आतिशी ने अपनी कुर्सी लगाते हुए दावा किया कि अगले 4 महीने के लिए वो दिल्ली की सरकार राम भक्त भरत की तरह चलाएंगी। शांति ऐसे राम सिया जी संग हो, जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। त्रेता युग में भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास गए, तो भरत जी ने उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजकाज संभाला और भगवान राम को ही राजा माना। अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। वो त्रेता युग था, मगर कुछ ऐसी तस्वीर अब कलयुग में भी सामने आ रही है। आतिशी ने आज जब सीएम दफ्तर में अपना पदभार संभाला, तो उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। आतिशी ने अपनी कुर्सी केजरीवाल की कुर्सी के बगल में लगवाई और भरत की तरह दिल्ली का कामकाज संभालने की बात कही। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी। भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली की कमान दी, तो आतिशी भी अपनी भक्ति दिखाने में पीछे नहीं रही। खुद को भरत और केजरीवाल को श्री राम बताने वाली आतिशी ने दावा किया कि राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर वो राजकाज को 4 महीने के लिए संभालेंगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ही फिर दिल्ली के सीएम बनकर उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिस पर वो पहले बैठा करते थे। अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। दिल्ली में खड़ाऊ शासन शुरू हुआ तो इस पर सियासी जोर भी शुरू हो गया। सीएम ऑफिस में 2 कुर्सियां रखने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने में देर नहीं लगाई। खड़ाऊ सीएम अगर सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती की भाषा बोले तो ये मेरे शब्द नहीं है। सीएम के रूप में डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे केजरीवाल जी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसे बेल के कंडीशन डाले थे। तो अब एक मनमोहन सिंह टाइप यहाँ पर लागू कर दी गई है। अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती है तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती। वहीं खड़ाऊ शासन पर कांग्रेस भी अपने सियासी तीर चलाने में पीछे नहीं रही। वो यही बताना चाहती हैं कि वो भरत की तरह राम का इंतजार कर रही हैं, तो ये कुर्सी आने वाले चुनाव में नहीं भरी जाएगी। फिर तो 14 साल के बाद वो सोच सकती हैं कि ये कुर्सी भरी जाएगी, और 14 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है। सिर्फ आतिशी ही नहीं, केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री भी अपनी भक्ति दिखाने में पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो सारा मुंगरी लाल का सपना था, वो चकनाचूर हो चुका है। अब उसको सवाल ही उठाना है, 5 साल तो सवाल उठाती रहेगी हर चीज में। जहां तक आतिशी जी की बात है, उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है और पूरे दिल्ली के लोगों की यही भावना है। बड़ी बात यह है कि सियासत की कहानी कुर्सी के आसपास ही घूमती है और दिल्ली अब 2 कुर्सियों पर सवार है। पहली कुर्सी है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की और दूसरी कुर्सी है नई सीएम आतिशी की, जिन्होंने केजरीवाल को राम बताकर उनकी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया।
और दावा किया कि दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से केजरीवाल ही इस कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे। दिल्ली से देवेश भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।